वैसे इनमें तो काफी ड्रामा हो रहा है, लेकिन बात करें ऑफ स्क्रीन की तो देखिए कैसे अनुज, श्रुति और आध्या कर रहे हैं फोटो सेशन। इसी के साथ साथ हो रही है अनुज और श्रुति की ढेर सारी मस्ती, जहां पर श्रुति दिखा रही है कि उनके बैग में क्या कुछ है। ऐसे में मस्ती करने के लिए पहुंच गए हैं अनुज। I don't go with any flow. एक संजू दादा है मेरे, वो इस पाउच को मैनेज करते हैं, बट आई नो वॉट इज इन द पाउच। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई कॉम्पैक्ट जो हमें हर समय डैब करना पड़ता है अपने आप को। दिस इज आई शेडो, ये मेरा कॉम्पैक्ट है, मेरा आई शेडो है, ये मेरा कंसीलर है, ये मेरी लिप ग्लॉस है। वॉट तुझे बड़ी प्रॉब्लम है ना। फिर ये अगेन आई शेडो है। ये पाउच की जरूरत नहीं है, मेरा वैसे ही इतना ग्लो है, मुझे कम करना पड़ता है। LOL, 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 LOL. तुम कर लो, तुम मेकअप कर लो। गर्ल्स को मेकअप ज्यादा लगता है और सूट भी करता है। फिर लिपस्टिक्स हैं, वी हैव ब्लू ग्रीन येलो लिपस्टिक्स लगाता है। इट्स अ नाइस रोज न्यूड कलर जो हम यूज करते हैं। क्या सवाल लेके बैठ गए हैं, कोई अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे कोई ऐसा कि न्यू आपका क्या कलर है लिपस्टिक का, कौन पूछता है ये सब यार। आप ये पूछो आपका कैरेक्टर कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे मेहनत करते हैं आप, क्या आई मीन यार लिपस्टिक का कलर क्या मेहनत करते हैं, मतलब इतनी मेहनत और रोंग कितना क्राइमिया रिवर चल क्या रहा है यहाँ पे। बहुत वो ये पूछना चाह रहे हैं कि शो में हो क्या रहा है, तुम इस समय ये बताओ तुम अपने लिपस्टिक के कलर बता रही हो या ऐसे थोड़ी यार, मतलब दिस इज कॉल्ड सेगमेंट बॉम्बिंग, क्योंकि तुम्हारे पास एक पाउच नहीं है तो तुम सेगमेंट बॉम्ब कर रहे हो। है मैं खुद ही एक बॉम्ब हूँ। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑल आई नीड इज जनरली अ टिश्यू। इसने सही बोला कि मुझे आई स्वेट अ लॉट एंड हमारा सेट बहुत ठंडा है, यहाँ AC इतना ठंडा होता है, सो दैट्स द रीजन वी डिडंट गो टू US बिकॉज वी गेट द सेम फील हियर। एंड US में गर्मी लगती है। Yeah, so I have kept people, you know, fans, you know. Yeah, now you know, na. इनके संजू दादा हैं, मेरे पास तो यही है तो ये कर देती हैं। हाँ हाँ, थोड़ा मेरा ग्लो कम करो थोड़ा। सही बात है, वहाँ पे भी मतलब सीरियल में भी श्रुति को ऐसे ही बता रखा है, अपनी बेटी बेटी घर पर ढूंढ के डाल दो और इसका नैनी नैनी बना रखा है। श्रुति नैनी वो तो है, आधे आधे की देखभाल करती है। शीज़ अ केयर टेकर। आई एम लीविंग टुडे। दाईजा, दाईजा। आई एम लीविंग टुडे। दाईजा, कौन सी पिक्चर में था? दाईजा, मेरे लेस बांधो दाईजा। मुझे पता है। तुमने नहीं देखी? नहीं मुझे भी नहीं याद, मैंने ऐसी बस ये लाइन याद है, दाईजा मेरे लेस खुले दाईजा। ये ऋतिक ही होगा इस तरीके से, ऋतिक रोशन बात करते, कभी खुशी कभी गम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जिसमें वो लाइन थी तुम इतने पतले कैसे हो गए। खुद वाइब कर, अब तो मैं कुछ भी नहीं करने आ रही। ऐसा देखिए ये अच्छी बात नहीं है, मतलब देखो वो इतनी मेहनत करती है श्रुति, शी कम्स वो पूरा मेकअप करती है हमारा एंड शी डज इट वेल एंड देन साथ में थोड़ी बहुत शी डज श्रुति का कैरेक्टर आल्सो, शी डज इट, शी प्लेज इट वेल, सो इट्स नाइस, वेरी गुड। सही बात है, बट यही था हमारा फनी सेक्शन बाय बॉम्ब्ड बाय अनुज कपाड़िया। मुझे एक बात बताइए, इस बैग में आपको पूछने की क्या जरूरत है कि क्या है? ट्रांसपेरेंट बैग है, आप पैन करिए सब दिख जाएगा आपको। फालतू सवाल फालतू जवाब, देखिए आप पैन करिए होता। मैं बोल दूं, एक मिरर है, एक परफ्यूम है, ब्रशेस है, पूछ रहे इस बैग के अंदर क्या है? मैं कहा देख लो पूरा तो ट्रांसपेरेंट है। ब्लश सेट है और ऐसे को भगाने के लिए मैंने एक मस्कीटो स्प्रे भी रखा था, पर मुझे मिल नहीं रहा है, वरना अभी तक इधर नहीं होता। बस यही है हमारा सिंपल पाउच, टिश्यू पेपर्स हैं रोने के लिए, रुलाने के लिए ग्लिसरीन रखी है एंड दैट्स इट। और आप रोल के लिए क्या करती हैं, एक्टिंग के लिए क्या करती हैं? ये तो हो गया मेकअप का, ठीक है, वी गॉट टू नो। लेट्स मेक इट लाइक कॉफी विद अनुज। तो आप क्या करती हैं एक्टिंग के लिए, क्या करती हैं आप? What do you do for your... बस अच्छी शक्ल के साथ पैदा हो गई थी, that's about it. तो मैंने वैसे ही जवाब दिए तुम्हें, जो जिस जो शो तुम बना रहे थे वैसे ही जवाब दिया, अच्छा लगा क्या? To each his own. But anyway, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्टिंग अपने रोल से पहले जब आप सीन कर रही होती हैं, आप क्या प्रिपरेशन क्या है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर यू नो यू आर वर्किंग विद यू नो इन वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन टेलीविजन अभी एंड हाउ डू यू prepare yourself before a scene, for an important scene, how do you do it?
मैं तेरे साथ बैठती हूँ, हम दोनों खूब हंसते हैं, देन वी प्रोसीड फॉर अ सीन. इतना सीरियसली पूछा जैसे कि कुछ होता होगा, हम हंस रहे होते हैं और कुछ नहीं होता, उसको खुद पता है. मैं सबको, पूरी दुनिया जानती है कि मैं बहुत संजीदा एक्टर हूँ और मैं बहुत ही सीरियसली देयर इज अ मेथड टू माय प्रोसेस एंड दैट इज कि मैं कोने में चला जाता हूँ. मैं कभी किसी से बात नहीं करता सीन से पहले एंड सीन के बीच में तो इट्स स्ट्रिक्टली नो नो, आई डोंट स्पीक टू एनीवन. ऐसा मैं कह सकता था कि अगर मैं ऐसा मेथड करता, काश इतना सीरियसली सीन में करता ना तो मैं मान जाती. अभी जितनी एक्टिंग इसने इस सेगमेंट में की ना उतनी तो नहीं करता है. I know I'm a natural. हम कुछ नहीं करते, we go with the flow, we have a good team, एक अच्छी कॉमरेडरी है director. वो सब छोड़ो, ये बताओ ये घोड़ा आधा क्यों है, इसका पीछे वाला पार्ट कहाँ है इसका, तुम ये बताओ यार, इम्पोर्टेंट चीज़ पैन करिए इधर, देखिए ये घोड़ा आधा आधा ही क्यों है, ये सवाल आप प्लीज सॉल्व करके जाइए. ये घोड़ा आधा क्यों है, हम अगली बार मैं जब फाइंड आउट कर लूंगी ना तब तेरे को बताऊंगी. इस घर में सब आधा क्यों है, देखो ये पैन करिए, इनका भी हिस्सा मिसिंग है, क्यों ऐसा क्यों है ये, व्हाई इज दिस, व्हाई इज एवरीथिंग एम्प्टी इन दिस हाउस. तुम्हारे दिल की तरह एम्प्टी है वो, क्योंकि अनुज का एक दिल का बड़ा हिस्सा चंक अनुपमा जो है वो दूसरी जगह है. मैं तुम्हें मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया था, इतना अच्छा आंसर दे सकती थी, लेकिन नहीं, यही प्रूव हो गया. तुम करो मेकअप, करो लिपस्टिक लगाओ अपनी, जाओ. चलो, थैंक यू सो मच फॉर द सेगमेंट, थैंक यू, बाय बाय. हम तो खोलते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 चॉकलेटी एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ. और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें.